हाँ, ऑलिव दा जो अभी कर रहे हैं ये, मैं जो हो ब्लो कर रहा हूँ, और ब्लो करने के साथ मैं जो है यहाँ पे ट्यूनर है, ट्यूनर, हाँ, ठीक ये नीचे वाला पा का जो है। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट है। हमेशा जो है मैं अपने YouTube चैनल में फ्लूट ट्यूटोरियल या फ्लूट कवर मैं डालता हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है मैं जा रहा हूँ फ्लूट मेकर के घर, अपने मेरा फ्लूट मेकर के घर। तो एक फ्लूट लेना है और कुछ फ्लूट जो है रिट्यून करना है। तो मैं ये पूरा जो एक्सपीरियंस है मैं सबके साथ शेयर करूँगा, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए, शायद कुछ सीखने को मिल जाए, इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। और अभी हम हैं कोल्यानी रोड के पास में, और अभी हम बहुत ठंडा भी है इधर। मॉर्निंग है, मॉर्निंग 6:30 AM में हम लोग हैं जो निकले हैं। अभी जो है सूरज ऊपर है। मेरे घर से 5 या 10 मिनट का रास्ता है, फिर जो है यहाँ से स्ट्रेट है, मतलब इस रास्ते से स्ट्रेट है हम जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा हिंदी बोले करो। मैं फ्लूट का बहुत तय करती हूँ, इसके लिए सुबह सुबह उठ के इसके बंदा के साथ जा रही हूँ अभी। नहीं, इतना सुबह मैं नहीं उठती हूँ, बट आई लव फ्लूट सो एंड आई लव इस प्लेइंग एज मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। हम लोगों का भी एक अलग सा चैनल है, सो इसलिए बहुत अच्छा लगता है एंड आई लव टू ब्लॉगिंग, सो इसलिए मैं भी शामिल हो गया। या दैट्स इट एग्जैक्टली। हम लोगों का जो कलकत्ता जो चैनल है वहाँ पे, वहाँ से अभी 2 गाने तो रिलीज़ हो चुका है। एक गाना ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, और अभी एक और गाना प्रोसेसिंग में है, और एक शॉर्ट फिल्म भी आ रहा है। चलो लेट्स गो। हाँ, तो अभी हम जाएंगे तो हमारा जो लॉन्ग ड्राइविंग है वो भी थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे हम लोग। आप लोग जो है साइट सीन एंजॉय कीजिए। देखते
हमारा जो ब्रेक है वो हो चुका है। अभी ऑयत्री से ऑयत्री जो है वो बात करेगी आप लोगों से और दिखाएगी साइट सीन, और आप बात कीजिए ऑयत्री से। आप लोग व्यू देखिए, अभी तो फिलहाल इधर बहुत कुछ हो गया, बहुत इंस्टीट्यूट हो गया, एक आई थिंक होटल मैनेजमेंट का एक आईटीआई का एक बिल्डिंग हुआ, तो बहुत इंस्टीट्यूट इधर हो गया। अभी देखिए हाँ, इधर ही ऑयल फैक्ट्री इधर है। हाँ ये देखिए, वाओ going to Olivia's house, so it's been a long time. One year हम लोग जा रहे हैं, बहुत खुशी भी हो रहा है। एंड विप्रो का जो फ्लूट है रिपेयर करना था, रिट्यून करना था, बट बहुत ही मतलब ज़रूरी था उसके लिए, क्योंकि हाँ रिकॉर्डिंग के लिए। एंड आपके लिए जो आप लोगों के लिए जो ट्यूटोरियल बनाता है, इसलिए उसको बहुत ज़रूरी था उसका फ्लूट को रिपेयर कराने में और रिट्यून में कराने में। एक्चुअली तो बात करो, एक्चुअली जो होता है फ्लूट को रिट्यून करना भी पड़ता है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये फ्लूट भी उसी तरह से जो है बनाया हुआ होता है। ये तो नेचर का ही थिंग है, मतलब एक बैम्बू से पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसको जो है रिट्यून करना पड़ता है। करा देती हूँ। ही इज ओलिव द, नमस्ते। ही इज ओलिव द, हेलो। ये तो अभी ये तो ले लिया, नहीं, इसको अभी ठीक करना पड़ेगा, बहुत काम बाकी है। स्मॉल सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे तीनों बैम्बू है, यहाँ से मैं जो सिलेक्ट, मतलब जो मैं नहीं ओलिव्दा सिलेक्ट करके रखा है तुम्हारे लिए, स्पेशली तुम्हारे लिए। ये डी स्केल का फ्लूट होगा, अभी मैन्युफैक्चर पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ जो बैम्बू जो है यहाँ से मतलब कट करके रखा हुआ है, अभी मार्किंग हो गया है ये। अब कौन से म्यूजिक के लिए ठीक है तुम सजेस्ट करते हो? बेस फ्लूट, तो बेस फ्लूट हम लोग जो है क्लासिकल जो है प्ले करते हैं बेस फ्लूट में, और जो है अभी तो रिकॉर्डिंग में भी हम लोग जो है बेस फ्लूट यूज़ कर रहे हैं, तो सभी गानों में अब जो है बेस फ्लूट जो है यूज़ होता है, सिर्फ जो है हाई फ्लूट मतलब जो है स्मॉल फ्लूट नहीं यूज़ होता है, बेस स्केल का फ्लूट भी यूज़ होता है। और अभी हम देखेंगे, मतलब जो है ओलिव्दा ये फ्लूट को रेडी करेगा। गुरुकुल में जब राकेश जी हमारा यहाँ पे उत्तर पड़ा संस्कृति चक्र में प्रोग्राम में आए थे, तो उनको भी हमने फ्लूट दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस किया उन्होंने। मुझे जाने को बोला था मुंबई में, तो अभी तक लॉकडाउन के दौरान मैं जा नहीं सका, कोशिश करूँगा उसके पास जाने का। और वेस्ट बंगाल में जितने सारे गुरु है और उन लोगों का जो स्टूडेंट्स लोगों है, सब लोगों को ही मैं फ्लूट देता हूँ थोड़ा बहुत। ओलिव्दा का जो बात है, मतलब जो है
हम लोगों के साथ तीन चार बजे हो गए ना, तीन चार साल से ज्यादा होगा ये जो रिलेशन हम लोगों को, हम लोगों का जो मतलब बॉन्डिंग है, हाँ बॉन्डिंग हो गया है हम लोगों का, तो अभी तो फैमिली जैसा हो गया है। मतलब हम आते हैं सुबह को, फिर यहीं पे लंच करते हैं। लेकिन ओलिवदा का जो खासियत है वो ये है कि जो वो सिर्फ फ्लूट मेकर नहीं है, वो एक खुद एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, गाता भी है, बहुत अच्छा बजाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा है, स्केल का बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग जो गाते भी है बजाते भी है और जिसका म्यूजिक सेंस भी है, उसका क्या हेल्प होता है, उसका जो पिच जो मतलब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो फ्लूट का जो है पिच का प्रॉब्लम होता है हम लोगों का, तो या फिर फ्लूट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगर सुर का सेंस है तो वो हम ठीक कर सकते हैं। मेरे जो कुछ स्टूडेंट जो है अभी जो हुए हैं, मैं सिखा रहा हूँ, तो वो लोग भी बहुत अच्छी तरह बजाते हैं। ओलिवदा के भी यहाँ से फ्लूट लेते हैं वो सभी लोग। मैं जो रिकमेंड करता हूँ ओलिवदा को, इसलिए क्योंकि जो है हम लोग बहुत सारे मेकर के पास जाते हैं, कुछ मेकर्स अवेलेबल है जो कम दामों में भी फ्लूट आप ले सकते हैं, आप दुकान से ले सकते हैं, आप ऑनलाइन से खरीद सकते हैं, लेकिन जो है एक क्वालिटी का एक जो है बात है, मतलब जो है बैम्बू का क्वालिटी होता है, ठीक है, पीच का एक क्वालिटी होता है, तो वो अगर आपको चाहिए तो आपको जो है बढ़िया अच्छा मेकर को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं पहले ही मेरे स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप ओलिवदा से बात कीजिए, ओलिवदा को फ़ोन कीजिए, ये फ़ोन नंबर है, और या फिर आप चाहे तो कम दाम में किसी भी दुकान से आप फ्लूट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे ही तो वो जो स्टूडेंट लोग हैं मेरा, वो भी सेटिस्फाइड है ओलिवदा के यहाँ से फ्लूट लेकर। तो मैं भी आज आया हूँ, एक फ्लूट को रिट्यून करना है और ये दो फ्लूट आज तो लेना है। तो ठीक है, फिर जाते हैं ओलिवदा की तरफ, ओलिवदा फ्लूट को रेडी करेगा। अभी क्या है, ऐसे ही एक बैम्बू का पीस है जो सीजन किया हुआ था, तो इसको मैं रखा था स्टोर करके, इसको निकाला, उसके बाद ये फ्लूट रेडी होगा। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये होगा आज कि इस फ्लूट को रेडी करने के लिए मैं एक बार भी नहीं बजाऊंगा, तो जो ले रहे हैं उसके ब्लोइंग के रेंज के हिसाब से हम बनाएंगे, और इसको सिर्फ बनाएंगे हम, लेकिन जो पीप्रो आया है उसका ही ब्लोइंग रेंज होगा, उसके ब्लो के हिसाब से हम बनाएंगे। ये फ्लूट जो अब बन रहा है, इस फ्लूट में मैं ही ब्लो करूंगा और ओलिवदा वो जो है उस ब्लो के ऊपर पूरा जो फ्लूट है मतलब ट्यून करेगा, पूरा जो होल है वो पूरा बारीकी से पूरा, अभी जो क्लीन हो रहा है ये फ्लूट हो गया है, मतलब अभी जो होल होगा वो एक एक करके इसमें किया जाएगा। ठीक है, आप देखिए मैं ब्लो करूँगा, घुरी देना ठीक है। इसमें अभी कोई भी होल नहीं है, सिर्फ यही एक पूरा हो जाएगा उसके बाद। अभी तो फिट हुआ हो गया है, यहाँ पे जो कॉर्ड फिट होता है बांसुरी में वो हो गया है। ये एक होल से यही एक ही साउंड निकलेगा, वो इसको फिर इस साउंड को ट्यून करके फिर इसको रिफाइन, हाँ नहीं साकर नहीं है, मतलब यही से आप देख सकते हैं, मतलब एकदम जो है ये जो स्वर होगा ये माँ का होगा, मतलब कोरी माँ का स्वर होगा, और एकदम लोअर ऑक्टिव का, हाँ, और एकदम बारीकी से वो जो कोरी माँ का है, मतलब ये डी स्केल का फ्लूट हो रहा है, और डी स्केल का कोरी माँ हो गया जी शार्प। तो मैं यहाँ परफेक्ट होगा, हाँ, कैसे परफेक्ट होगा ये भी मैं ब्लो करूंगा यहाँ पे ट्यून में, मतलब आप लोग देख सकते हैं, मतलब अभी काम बाकी है लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट है अभी से। अच्छी
अभी जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 होल हो चुका है, अभी दोनों होल ऊपर में करना बाकी है, लेकिन जो है ट्यून अभी फाइन ट्यून पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो है पूरा होल नहीं हुआ है अभी तक। तो उसका नाम बोल, हाँ, ऑलिव दा जो अभी कर रहे हैं, ये मैं जो हो ब्लो कर रहा हूँ, और ब्लो करने के साथ मैं जो है यहाँ पे ट्यूनर है, ट्यूनर हाँ यहाँ पे है मोबाइल में ट्यूनर, ये ट्यूनर ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ट्यूनर ऐप में मैं ब्लोइंग के साथ आप देखेंगे यहाँ पे ट्यून कितना परफेक्ट है, ये नीचे वाला पा का जो है यहाँ पर ऑक्टेव में धुरना फोन। तो ये जो है हम पा बजा रहे हैं, फिर धा, तो अभी तक ये चारों होल हुआ है, तो फाइन ट्यूनिंग अभी बाकी है, और इतना धीरे धीरे पूरा कर रहा है। इसका ये बांसुरी का और एक खासियत जो है, ये जो होल हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिर्फ जो है वो नोजल होता है, इस तरीके का एक नोजल होता है, इस चीज़ को जो है क्या बोलते हैं इसको, मतलब होल करके, मतलब हाथों से, मतलब कोई आग या कोई वो जो क्या होता है, हाँ, जो रॉड होता है वो यूज नहीं करते हैं ओलिव्दा। ओलिव्दा अपने हाथों से मतलब वो ट्यून को परफेक्ट करते हैं। किसका, हाँ, इसका एक खासियत है, ओलिव्दा का बस एक खासियत है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ, और यूनिक भी लगता है, क्योंकि जो है फाइन करना पड़ता है, वो जो फाइल होता है सीरीज जो मतलब सैंड पेपर होता है उसको घिस के फाइन करना पड़ता है, ट्यून बारीकी से देखना पड़ता है, वो होल बड़ा हो गया और छोटा हो गया तो ट्यून में प्रॉब्लम होगा, तो इस बहुत रिस्की भी, हाँ, रिस्की भी है, तो इस चीज को ओलिव्दा को करना पड़ता है अपने हाथों से। तो मैं ओलिव्दा को दे रहा हूँ, वो आगे का काम बहुत ही बढ़िया बजाता है ये लड़की, एक बंगाली गाना में बजाया जो फोक सॉन्ग, से कानू आरम ज्यादा मैं तो जले ना जाइयो, मैं तो जले ना जाइयो, मैं तो इधर आके ऐसा ही होता है हम लोगों को। घटे ना जाओ बटे ना जाओ, घटे ना जाओ लजे, मैं तो हे हर ना जाओ लजे,
कन्हैया पाती से फंदो, कन्हैया पाती से फंदो, राधिका लागिया मैं तो जले ना जाइयो, जले ना जाइयो, मैं तो जले ना जाइयो। আছে বসিয়া আছে কানু হারাম জাদা মায় তোহে জুলে না ও। মটু ফ্লুটে শুনি, ये भी एक फोक सॉन्ग है, सुनिए। जो है ये तो फ्लूट मतलब जो है कंप्लीट हो चुका है, सभी जो होल है माउथ होल या पे पंचम का फिर सिक्स जो होल होता है सभी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इसको तो अभी बांधना मतलब जो है वो सुतली होता है उससे बांधना भी बाकी है। तो अभी मैं जो धुन बजाया उसमें तो प्रॉपर ट्यून में है, अभी मीटर में भी हम लोग ने देख लिया है मतलब प्रॉपर जो है उसका इसका ब्लोइंग जो टेक्सचर है फ्लूट का जो एक होता है ना एक टेक्सचर होता है मतलब सिर्फ साउंड नहीं साउंड के साथ बैम्बू का जो नेचुरल साउंड होता है वो भी इस बांसुरी में मतलब परफेक्ट प्रॉपरली आ रहा है। और ओलिवदा के साथ मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो ओलिवदा मुझे कुछ कमीशन दे रहा है और ऐसा कुछ के चल विप्रो आजा एक वीडियो कर दे और यूट्यूब में डाल दे और प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओलिवदा एक बहुत अच्छा पॉपुलर फ्लूट मेकर में से एक है और मैं जो ये वीडियो आज कर रहा हूँ ये प्रॉपरली मेरा मेरा मतलब पर्सनल इंटेंशन से है, मेरा खुद का इंटेंशन है ये आप लोगों के साथ मतलब मैं शेयर करूँ क्योंकि एज ए फ्लूट प्लेयर ये होता है सबको एक दिक्कत होता है कौन से बांसुरी चूज करे कौन से फ्लूट मेकर से फ्लूट ले। ऑनलाइन में बहुत सारा फ्लूट अवेलेबल होता है, मैं खुद भी पहले लेता था ऑनलाइन में से पर जब ओलिवदा से जब मैं मिला हूँ उसके बाद से मतलब टोटली फ्लूट का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं ओलिवदा को फ़ोन करके आ जाता हूँ या फ़ोन करके कुछ टिप्स वगैरह ले लेता हूँ। तो ये डी स्केल का बेस फ्लूट है, ये टोटल मतलब रेडी है, अब इसको ओलिवदा मतलब पूरा रेडी करेगा बांध के ब्यूटिफिकेशन जो होगा फाइन इसको मतलब पूरा पॉलिश करके जो करना है ओलिवदा वो करेगा और फिर रेडी है। और आज का इस वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ आप लोगों ने देखा जो है ओलिवदा ने नहीं ब्लो किया, टॉप से बॉटम तक मैंने ब्लो किया पूरा फ्लूट को, मेरा जो पोजीशन है पकड़ने का मैं जैसे ब्लो करता हूँ फिंगरिंग जो पोजीशन है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ओलिवदा ने मेरे को बोला कि आप विप्रो तुम बजाओ उससे उसके बाद मैं इसको मतलब होल्ड करूंगा एंड ट्यून करूंगा। तो पूरा जो बांसुरी है मैं खुद बजाया और ओलिवदा ने पूरा ट्यून किया है।
और अच्छा है आप लोग भी मतलब ओलिंदा के पास से मतलब बांसुरी ले सकते हैं। फ्लूट जो है पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है वहाँ पे डी स्केल का, और ई एक स्मॉल फ्लूट भी मैंने लिया है, वो जो है धागे का पूरा काम हो गया है वहाँ पे, अब ग्लूड मतलब जो है ग्लू है उसमें दिया गया है, वो अब जो है पूरा रेडी है वहाँ पे है। हाँ हाँ देखिए जो फ्लूट हाफ हाफ करके दिखा रहा था ये है, ये देखिए ये रेडी हो चुका है, अब लोगों को सुनाएगा अभी, कंप्लीट तो हो गया सुनाएगा अभी। ये फ्लूट जो है ये ई स्केल का फ्लूट है, ठीक है ई स्केल का फ्लूट है, और यहाँ पे एक जो है पीछे का एक होल मैंने किया है, तो ये जो होल जो है मतलब इसका जो बहुत मैजिकल है। हाँ ये इसका जो यूज़ होगा ये पहले तो प्रैक्टिस का बात है, प्रैक्टिस करना होगा मुझे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं पीछे का होल यूज़ करूँगा, तो इसका जो है मतलब माँ अगर सा रे गा माँ अगर ये माँ तक हो गया, तो अगर कोई इससे भी ऊपर कोई अगर होल होता तो उसको अगर हम पकड़ते तो क्या होता वो पा हो जाता, तो यही होल जो है मतलब नीचे है सेम पा, तो ये जो हम पा बजाएंगे पंचम जब बजाएंगे तो उसका काम आसान हो जाएगा, मतलब पा से डायरेक्ट पकड़ के मीर वगैरह वो जो है काम, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओलिंदा का घर से हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग का जो पैकेट था लेकिन उसका जो फ्लूट था सब कुछ रिट्यून सब कुछ हो गया, एंड ठंडा भी बढ़ चुके हैं आप देख सकते हो, इसको भी तो ठंडा लग रहा है बहुत ही ठंडा पड़ चुके हैं, तो लॉन्च वगैरह करके सब कुछ पूरा बैम्बू था उसका ऊपर फ्लूट बनाया सब कुछ, आप लोग मतलब कुछ देर पहले ही देखे हो कैसे कैसे सब कुछ हुआ, तो थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग तो आप देख ही सकते हो, तो या हम लोग का तो सब फ्लूट का काम हो गया, सब रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को चाय पीनी है, राइट हम लोगों को चा अभी मतलब बंगाली में एक बात है कि चा पे थे हम लोग, मतलब बहुत लोग ऐसे बोलता है कि हम लोग चा पे थे, तो ऐसे ही हम लोग को अभी चा पीना है, तो हम लोग जा रहे हैं ये अभी गाड़ी चला रहा है ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए मुझे बोला कि तुम सब कुछ तुम थोड़ा थोड़ा करके बोल दो, बट या हम लोग So after spending the whole day, the whole one day actually, we have reached back to our home. And आज जो मैंने फ्रूट लिया है एक बड़ा डी स्केल का फ्रूट लिया है, डी स्केल का एक फ्रूट लिया है, एक मेरा ई स्केल का फ्रूट था उसको पीछे होल किया, मतलब जो है पंचम में एक ऊपर की तरफ होल किया है ये, और ओलिंदा इसको अच्छी तरह से सजा भी दिया है, और एक छोटा ई लिया है ओलिंदा से, बहुत अच्छा इसका साउंड है, मेरा जो कवर वीडियो होगा मैं उसमें यूज़ करूँगा ये सारे फ्लूट जो मैं यूज़ करूँगा, और मेरा और भी कुछ फ्लूट था ये डी शार्प और डी का फ्लूट है, वो मैं थोड़ा रिट्यून करा हूँ, और ओलिंदा जो है इसको सजा दिया है अच्छी तरह से जो बांध के ये सूत्री जो बांध के, तो आज का जो ये वीडियो है ये अभी ख़त्म हो रहा है, मतलब जो है शायद 30 मिनट्स के ऊपर तो हो ही जाएगा एडिट करने के बाद, तो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब में, और आप लोग बताइएगा पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, मतलब आज का जो वीडियो है मैं किससे फ्लूट लेता हूँ और मतलब फ्लूट कैसे तैयार होता है, फ्लूट बैम्बू से कैसे फ्लूट होता है वो
फिर जो है मतलब पूरा जो आज का जो पूरा दिन है वो बहुत बहुत अच्छा बीता है। मैं चाहूँगा आप सभी का प्यार अगर मिले तो इसी तरह बहुत बहुत सारा वीडियो जो है मेरे चैनल में अपलोड होगा, और हो सके तो अगर आप कुछ सीख सके मेरे चैनल से या फिर आपको अच्छा लगा हो तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा जो कंटेंट होगा वो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। एंड टेक केयर।